बहुत सारे ऑक्स ने अपने वैलोरेंट रोस्टर्स को छोड़ दिया है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ चैलेंजर्स साउथ एशिया। पर ये सब हो क्यों रहा है? सबसे पहली बात तो ये सारी ऑक्स नए वैलोरेंट रोस्टर के साथ वापस आ सकती है व्हेन द नेक्स्ट चैलेंजर सीजन स्टार्ट। अब ऐसा हुआ क्यों है, इसके रीजंस के बारे में भी बात कर लेते हैं। जब पबजी मोबाइल बैन हुआ था उसी के आसपास वैलोरेंट लॉन्च हुआ था और इसी वजह से बहुत सारे पबजी मोबाइल स्ट्रीमर्स ने वैलोरेंट स्ट्रीम करना चालू कर दिया था, जिसकी वजह से इसकी फॉलोइंग तो बढ़ी, साथ ही साथ थर्ड पार्टी एंड ऑफिशियल टूर्नामेंट्स भी अनाउंस हुए। और अब जब PUBG मोबाइल वापस आ चुका है SBGMI, इसकी फॉलोइंग एंड टूर्नामेंट्स ड्रास्टिकली नीचे जा चुके हैं। और अगर व्यूअरशिप की बात की जाए तो जितना व्यूअरशिप BGMI लाता है वैलोरेंट उसके आसपास भी नहीं है। इसकी वजह से स्पॉन्सर्स भी BGMI को प्रेफर करते हैं एंड ज्यादा रिसोर्सेज इन्वेस्ट भी BGMI टीम्स पे किए जाते हैं। एक टीम के सैलरी एक्सपेंसेस को कवर करना जब वैलोरेंट सीन में कुछ हो ही ना रहा हो इज नॉट फीजिबल। कांट पे व्हेन यू आर नॉट अर्निंग एनीथिंग, राइट? क्या इस गेम का सेम फेट होगा जैसा Dota 2 एंड CSGO का हुआ, या फिर ये गेम एक कमबैक करेगा अगेंस्ट ऑल ऑड्स?